सबको अपनी तरफ से नमस्कार करती हूँ, नमन करती हूँ और आपके हौसले को दाद देती हूँ जो 38 दिन तक आप इस मैदान में डटे खड़े हो। और रह गई बात सरकार की, सरकार के लिए तो वह बात बढ़ रही है, बोलिया अनपढ़ पटवारी बारी बस्ता, तो बारी बस्ता कर रखा अपन है, तो यह सरकार सेले पैरे मानने की कोनी, क्योंकि ये तो जो अपने खुद के कानून ले आए हुए हैं ना, 13 महीने में वापिस कराए, ये तो अपना अधिकार है, अपना हक है, अपना हक न देने का थ्री कितनी मतलब मजबूरी में देवेंगे, मजबूरी में क्यों देवेंगे, क्योंकि इनके नू था, ये तो तूड़ी गेड़ेंगे, ये तो इंदी तो घू का सीजन मारना, पर इनकी नू को नहीं मेरा मारे बुजुर्ग जो हमने अपने कमरे के अंदर रखने थे, मारी यह मजबूरी है, इनकी तख्त पे बिठा के ना हमने मारे बुजुर्ग सड़क पे बिठाने पड़े, और जो हमारी मातृ शक्ति थी हमारे नौजवान थे वह काम करने लग रहे हैं, क्योंकि हमने एक के बाद सोच रखी है भाई जिस मैदान में उतर गए नहीं से लड़के ने झगड़के ने और जीत के निकलेंगे, आर नाम की चीज मारा खून में को नहीं लिखी, क्योंकि हम किसानी कौम है, ना हिंदू है ना मुसलमान है ना सिख है ना ईसाई है, हम किसान है, मजदूर है, लड़ाका है, और हर मैदान में फतेह करना हमने आवे है। दिल्ली के तख्तो ताज आज भी हमारा नाम था दलन लग रहे हैं, और आने वाला टाइम में इस सरकार का फटक बिठानी है, इनके नू याद रहना चाहिए, अभी जल वाली खेड़ी में यदि तुमने कोई पंगा लिया तो तुमने तारी बात कही हो ही उल्टी लेनी पड़ेगी, क्योंकि रटकर फटक इस सरकार की काटनी पड़ेगी, क्योंकि यह फिर वाय बात यह नंगड़ा की सरकार से इनका आगे पाचे कुछ को नहीं, और जिसका लाग लपेट नहीं होया करती नहीं और शर्म लियाज नहीं होती उस उगाड़ा का कोई इलाज नहीं, उगाड़िया की सरकार है। पहला अंकल जी नु कहवे दे नहीं निबले यह कच्चे सिमह रहे हैं, ए बे कच्चे को नहीं सिमह रहे, एक तो ये पैंट पहन लग गए, पर इस पैंट का इलाज इनका अपने करना है, पैंट का इलाज कुकर करना है, जुकर अपने खाप एक कर ली, मेरी तो आप खाप की सरदारी है, सारी मेरी मातृ शक्ति है, सारे मारे बुजुर्ग हैं और संगठन के बहुत से पदाधिकारी भी हैं, मेरी तो एक इच्छा है इन संगठन ने भी एक काले पीले झंडे इकट्ठे करके एक तिरंगा बना लिया तो लड़ने में भी आसानी रहेगी, और मारे नू भी को नहीं रहेगा यू फलाना का प्रधान यू दिखड़ा का प्रधान या प्रधानी प्रधानी का चक्कर में मारा नाश हो लिया, क्योंकि कदे राजनेता और कदे किसान नेता सारे अच्छे को नहीं, सारे सुरेश कोत जैसे मतलब निर्भय नीडर और अच्छे इंसान किसे भागड़ा इलाका ना मिला, और आप भागड़ा इलाका हो जहाँ ऐसा नीडर नेता खड़ा है, ऐसा किसान नेता खड़ा है जो बोलन जाना है कहन जाना है, और आप लोगों ने एक दशा दिशा देने लग गया है, नहीं तो इसे इसे लोग से पितर कुचर बैर कुचर राजनेता का पक्षा कुछ हाथ मिला रहे हैं ऊपर को कुछ कर रहे हैं, माई का बने का यू कर देंगे नू कर देंगे टेम पर टोए नहीं पाती, क्योंकि केस लग गए डर लग गए, डरन का काम को नहीं लड़न का काम है। तो मैं दोबारा तो एक बात कहूंगी, ये नु कहा था नहीं बोला घोड़ी भी आगी घोड़ी को नहीं तो घोड़े है नंगड़े इनकी बहन में थोड़ा टाइम लगा था शांति से बैठे रहो। तो महाराज समाज में एक बात कह कर जोटा बिड़ाना हंसी खेल बोली तो ये जोटे हैं इनकी जोटा बिड़ाने में टेम लगेगा और आपे तो पेट से बिड़ा के उठा करा हा। इस सरकार ने यह बात बताना चाहा हाँ भाई महाराज के रोला करने की जरूरत नहीं, तो ना और पिटेंगे कर्मचारी कदे बालक कदे महिला कदे कुछ इमें मारी शक्ति का नू मेरा पट गया, महारा में ताकत कितनक है, महारा में इतनी ताकत है जी हम लड़ना पाया जानी सरकार ने कोडे करके सड़क पे लिया इसका हाँ। और यह काम ही होने वाला है, कोई गड़ी जाड़ा है इनके बस की बात को नहीं, इनकी कुर्सी है हल्ली इनकी नू मेरा पट गया, इन नंगड़ा ने नू बेरा तमने बोर्ड के अड़ाना तो सह को नहीं, ये भी 2.5 साल पिकनिक मनाने लग रहे हैं, आराम सरकार ने कहा आखिरी बार की पिकनिक मना लियो, 2024 के बाद ऐसी सरकार लेकर आवेंगे जो सिर्फ किसान का मजदूर का कमेरा का मातृ शक्ति उस तहसील का ऊपर बैठेगी जड़े कलम भी मारी होगी और कागज भी मारा होगा, क्योंकि इन नंगड़ाता पे छिक लिए 70 साल हो गए, 70 साल में कुछ नहीं मिला, राणा ने पुत्ती एक बार कर लो बेबे राणा ने पुत्ती करनी पड़ेगी चाहे आज कर लो चाहे 70 साल फिर लड़का कर लियो, क्योंकि आप एक चीज सोचनी पड़ेगी अगर की भाई काका लिखनिया या भाई भी खोज लो और काके भी अपने बना लो, कलम अपना हाथ में है, जब तक कलम हाथ में नहीं आ रही कितने लड़ लो, जो अगले है नहीं वो अगले अपने सगे को नहीं,
ना अपनी इनेलो, ना अपनी जेजेपी, ना अपनी बीजेपी, अपना कोई नहीं, अपने सिर्फ आपे। हाँ, अपना तो एक टाइम भगवान भी को नहीं, वो भी कि मैंने कि मैं पंगे कर रहे अपने के लिए, क्योंकि इन तीनों फेरा है। हम लड़न जाना हाँ, खड़े होन जाना हाँ, हम डटे रहेंगे, लड़न का माता रखा हाँ। तो मैं दोबारा तो कहूँ, एक सरकार एक कानून और लेकर आई है, स्टेडियम में तो सब बालक खेलेंगे नहीं, मत तो देवेंगे 100 रुपये और जो सब बनावा में देवेंगे 1000 रुपये। इनकी पूछने वाला हो कोई, अरे खागड़ो स्टेडियम के भी 1000 रुपये ला दिए, तड़के तो हम सांस लेने पे भी हमारा टैक्स लाओगे। तो यह सरकार है सिर्फ टैक्स लाने देने की, नू गवा बस दे दो मने इन नंगड़ा का आगे पाछरिया मैं नू नहीं समझ मानते। एक एक ब्याह करा लेनी उनका भी पूरा पड़ जाए, इन नंगड़ा का कि मैं भी कोनी, इनका मुसी नहीं कीड़ी नहीं, और इनकी मारा जिन आराम कर रखा है, मारे बालक बदीन कर रखे, आम बदीन कर रखे, मारे बुजुर्ग बदीन कर रखे, मारे युवा बेरोजगार कर रखे। ना करिए शिक्षा की बात, ना करिए रोजगार की बात, ना करिए स्वास्थ्य की बात, बस एक के बात से रुपये दे दो इन खागड़ा ने, बेरन ये कड़ा लेके जावेंगे। इनका तो ऐसा जी कर रहा है, इनकी तो लैका लाइन में इनकी तो सारे ने सूट कर दे, वो भगत सिंह ने बम फाड़े था नहीं, एक के दिन फाड़ कर रंडन फुक के एक के दिन हो जाएगी, एक आदमी मरता होगा देश तो बचेगा। हम इस सरकार ने कहना चाहवा, यह तो अपनी सरकार, ये जो बैठे नहीं मैं लैम्पी कदन सोते हम चौधरी, हाँ चौधरी तो ये खंड के आड़े हैं जो तो हमने उड़क भेज के, पर यह गलती हम दोबारा को दुरंत दे, यह तो अपनी औकात में रहो और नहीं औकात में लेना हमने आवे है। जय जवान जय।